ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 25 दिसंबर 2023, सोमवार का दिन है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। रोहिणी नामक नक्षत्र होगा तथा वृषभ राशि में चंद्रमा विराजित रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। अगर किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो दर्पण में अपना चेहरा देख करके यात्रा का शुभारंभ कर सकते हैं। राहुकाल जो कि सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहेगा। राहुकाल के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए। हालांकि राहुकाल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग अथवा कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहुकाल कई क्षेत्रों में माना जाता है और कई क्षेत्रों में नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि धनु राशि में, वही चंद्रमा वृषभ राशि में, मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में, बुध ग्रह धनु राशि में, देवगुरु बृहस्पति जो कि मेष राशि में, शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में, शनि देव कुंभ राशि में, राहु ग्रह मीन राशि में तथा केतु ग्रह कन्या राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष, मिथुन, सिंह, तुला एवं धनु ये 5 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। कार्यक्षेत्र में इनको उन्नति और प्रगति के उत्तम अवसर प्राप्त हो सकते हैं। धन लाभ के साथ साथ नया काम, नई जिम्मेदारी इनको मिल सकती है और इनके द्वारा जो भी काम शुरू किया जाएगा उसमें आगे चल करके अच्छा फायदा इनको ही प्राप्त होगा। सूर्योदय सुबह 7:03 पर होगा तथा सूर्यास्त शाम को 5:37 पर होगा। चंद्रोदय 3:50 रात में होगा एवं चंद्रमा का अस्त अगले दिन 6:08 शाम को होगा। शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो सोमवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन है और सोमवार के दिन जो सबसे पहला शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक अमृत का चौघड़िया तथा सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक शुभ का चौघड़िया। उसके बाद दोपहर में 1:30 से लेकर 3 बजे तक चर का चौघड़िया रहेगा और 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़िया रहेगा। इस दौरान यदि आप कोई भी शुभ काम करेंगे, मांगलिक कार्य करेंगे, नया काम करेंगे तो निश्चित तौर से आगे चल करके आपको अच्छा फायदा प्राप्त होगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। भाग्य का सितारा प्रबल होकर आपको बहुत कुछ देने का प्रयास करेगा, अतः समय का सम्मान करें। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह पर अवश्य ध्यान दें। सलाह रूपी उनका आशीर्वाद आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। कहीं पर निवेश करने या किसी को पैसा उधार देने से पहले अच्छी प्रकार से जांच पड़ताल अवश्य करें। भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई बहस होने जैसी स्थिति बन रही है। बेहतर होगा कि अपने काम से ही आपको काम रखना चाहिए और उपाय के रूप में गरीब आदमी को मसूर की दाल का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा। भाग्यशाली रंग आपका ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। इस समय लाभदायक ग्रह स्थितियां आपके लिए बन रही है। कोई निवेश यदि करने जा रहे हैं तो समय उत्तम है। भूमि, भवन, वाहन भी खरीदने का आप विचार बना सकते हैं, परंतु इससे संबंधित कोई भी कार्य करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। धार्मिक तथा सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित होने से आत्मविश्वास आपका बढ़ने वाला है और उपाय के रूप में कच्चा दूध शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। किसी निकट संबंधी की परेशानी में आपकी सलाह उनके लिए हल निकालेगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां भी आपके सामने आएगी। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करने में समर्थ रहेंगे।
आज किसी से भी उधार पैसा न ले, इससे आपके सम्मान में कमी आ सकती है और संबंध खराब हो सकते हैं। और उपाय के रूप में गाय को रोटी और गुड़ खिलाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। अगर कोई शासकीय कार्य रुका हुआ है तो किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ मिल करके विचार विमर्श अवश्य करें, आपको सफलता मिलेगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का कार्यक्रम आपका बनेगा। घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होने की योजना भी बनेगी। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेगा। संतान की उन्नति और प्रगति की सूचना भी आपको मिलने वाली है और आपको शांतिपूर्ण तरीके से सभी काम करना चाहिए। उपाय के रूप में माँ दुर्गा के मंदिर में लाल फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने से कोई उचित परिणाम आपके सामने आएंगे। करियर संबंधी कोई नया अवसर मिलेगा। किसी खास या बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी और उनसे आपको फायदा भी होगा तथा मानसिक शांति भी आपको प्राप्त होगी। कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिलने वाली है और सकारात्मक गतिविधियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। धन लाभ होगा, चिंता न करें, समय आपका साथ पूरा पूरा देगा। उपाय के रूप में घर से निकलते समय यदि आप गुड़ खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आज कुछ नया करने की आपके अंदर एक ऊर्जा बनी रहेगी। धर्म तथा आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों को कैरियर से संबंधित सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, उससे सुकून भी मिलेगा। व्यस्तता के बावजूद आप अपने परिवार तथा अपने रिश्तेदारों के लिए उचित समय निकाल लेंगे। कोई भी काम करने से पहले अच्छी प्रकार से सोच विचार करना बहुत आवश्यक होगा। और उपाय के रूप में भगवान गणेश जी के मंदिर में बेसन से बनी मिठाई चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग आपका आसमानी होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। ग्रहों की स्थितियां आपके लिए भरपूर सहयोगात्मक बनी हुई है। आप किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें सफल अवश्य ही होंगे। परंतु प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी अगर कोई कार्य आप करने जा रहे हैं तो उसमें लापरवाही बिल्कुल न करें। कोई भी दस्तावेज बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। आलस्य और मौज मस्ती में समय व्यर्थ व्यतीत न करें। इसकी वजह से आप अपनी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को गंवा सकते हैं। दिखावे की प्रवृत्ति से दूर रहे तथा जीवन की वास्तविकता का सामना करें। व्यावसायिक क्षेत्र में सारे फैसले खुद ही ले। आज मार्केटिंग संबंधी कार्यों को स्थगित रखें क्योंकि इनमें समय व्यर्थ होने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। नौकरी में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे। आपको प्रमोशन भी प्राप्त हो सकता है। मान सम्मान के साथ साथ आपको आर्थिक फायदा होने का दिन भी है। रुका हुआ पैसा भी आपको अचानक प्राप्त होगा। संतान संबंधी कोई कार्य यदि अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो उसके भी शुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं। उपाय के रूप में यदि आप सफेद रंग की कोई भी वस्तु का दान, जैसे चावल या शक्कर का दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग आपका जामुनी होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज आपकी आर्थिक योजना से संबंधित लक्ष्य आसानी से फलीभूत हो जाएंगे, जिसकी वजह से मन प्रफुल्लित रहेगा। धार्मिक कार्यों में आपका योगदान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपको पसंद करेंगे। किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में अपना आपा न खोएं, शांतिपूर्ण तरीके से परिस्थितियों का सामना करें। विद्यार्थी वर्ग भी अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाह हो सकते हैं, जिसका दुष्प्रभाव उनके परिणाम पर पड़ सकता है। व्यर्थ के बाहरी संपर्कों से दूरी बना करके आपको रखना चाहिए। उपाय के रूप में यदि आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में हल्दी का दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका केसरिया होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की।
अगर कुछ परिवर्तन या सुधार संबंधी योजना आप बना रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। नया काम, नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, धन लाभ भी होगा, इसके साथ साथ आपको सम्मान भी प्राप्त होगा। यदि आप नया काम जैसे नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं या नई नौकरी की तलाश में हैं तो वो तलाश आपकी पूर्ण हो जाएगी। लेकिन शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। धन लाभ होगा, घर परिवार में नई खुशियों का आगमन होगा। कोई नज़दीकी मित्र या रिश्तेदार जलन की भावना से आपके खिलाफ कोई न कोई अफवाह फैला सकता है, इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहे। व्यापार व कामकाज को लेकर आप बहुत गंभीर व समर्पित रहेंगे। उपाय के रूप में मछलियों को आटे की गोलियां डालना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। समान विचारधारा वाले लोगों से संपर्क होगा। आपके किसी खास हुनर तथा नॉलेज की तारीफ होगी। युवा वर्ग को कोई उत्तम कार्य की जिम्मेदारी मिल सकती है या बड़ी नौकरी भी उनको प्राप्त हो सकती है। पिछले दिनों जो मेहनत की है उसके भी परिणाम देखने को मिलेंगे। उपाय के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में गंगा जल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका सफेद होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आर्थिक पक्ष कुछ मजबूत बनेगा। दोस्तों के साथ पारिवारिक मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। खुशनुमा माहौल में आप दिन व्यतीत करेंगे। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करते समय घर के सदस्यों का सहयोग व सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। पारिवारिक व्यवस्था में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप न होने दें। और उपाय के रूप में भोजन के साथ मीठे दही का उपयोग करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। कुछ समय अपनी रुचिपूर्ण कार्यों में आपका व्यतीत होगा। इससे आपको आत्मिक शांति व खुशियां प्राप्त होगी। व्यस्तता भरी दिनचर्या आपकी रहेगी, थकान भी आपकी दूर होगी। बच्चों से संबंधित जो समस्या है उसका भी निवारण आपको हो जाएगा। ध्यान रखें कि किसी महत्वपूर्ण वस्तु को चोरी होने या खोने की आशंका है, इसलिए अपनी वस्तुओं को संभाल कर आपको रखना चाहिए। युवा वर्ग को लक्ष्य के प्रति गंभीर रहना चाहिए, अन्यथा भविष्य संबंधी परेशानियां उनको उत्पन्न हो सकती है। मशीनरी तथा कारखाने से संबंधित व्यवसाय में कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, इसलिए पूरी मेहनत और एकाग्रता के साथ में आपको काम करना चाहिए। और उपाय के रूप में माँ लक्ष्मी जी को पीला फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग आपका क्रीम होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।